ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। तो अभी आज की जो हमारी क्लास है ना, इसमें हमारा फोकस फोर ईयर एनालिसिस पे होगा, और हम जो है ना थ्योरी के ऊपर जो है हमारा फोकस ज़्यादा है। शुरू में हम कंटिन्यूस की के हवाले से इसको समझेंगे, फोर ईयर एनालिसिस को, फोर ईयर सीरीज और फोर ईयर ट्रांसफॉर्म पे। देन वी विल स्विच टू डिस्क्रीट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म, जो कि ज़्यादा रेलिवेंट है डीएसपी से। एंड देन क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उससे पहले थ्योरी जो है मैं समझ रहा हूँ कि कवर करना जो है वो जो उसकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टली हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर मैंने ये लेक्चर फोकस किया इसकी जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाएंगे, और फिर जो है कोडिंग पे हमारा फोकस होगा, और उसमें जो है मैटलैब के साथ साथ पाइथन जो है ना वो भी मैं लाने की जो है वो मेरा इरादा है, और वो इंशाल्लाह करेंगे उसको। इस हवाले से एक बड़ा अच्छा जो है ना वो एक बुक है, डेटा ड्रिवन साइंस, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर है स्टीफन ब्रंटन, आपने शायद नाम सुना हो। और एक नहीं हाँ उनकी बुक है एक बड़ी अच्छी, तो वो जो है बहुत अच्छी किताब है, और वो मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ज़्यादा उनकी वो उसी डेटा की तरफ है, डेटा साइंस की तरफ ज़्यादा रुझान है उसका। तो वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है, तो मैं उसको जो बीच में लेक्चर्स के लिए फॉलो कर रहा हूँ उसको भी बैकग्राउंड में, और बिसाइड्स अदर किताबें भी हैं। तो फोर ईयर का जो है हम स्टार्ट करते हैं काम आज से। फोर ईयर एनालिसिस जो है ना वो आप समझ लें कि एक टूल है, मैथमेटिकल टूल, जस्ट लाइक ये आपको नज़र आ रहा है ना प्रिज्म होता है, कि वाइट लाइट है और उसको आप प्रिज्म से पास करते हैं, तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज कलर्स हैं उसके अंदर वो स्प्लिट होकर बाहर नज़र आने लग जाते हैं हमें। तो फोर ईयर एनालिसिस जस्ट लाइक दैट टूल, कि आपका जो भी सिग्नल है, जो भी पीरियोडिक सिग्नल है या ए पीरियोडिक सिग्नल है, तो आइडिया ये है कि इट इज़ कंपोज ऑफ साइनसॉइड्स, साइन और कोसाइन से मिल के वो बनता है। तो मुख्तलिफ प्रोपोर्शन फेज एंगल्स के साथ वो जो है आपस में एड अप होके उस सिग्नल को कंपोज करते हैं, बनाते हैं। जैसे व्हाइट लाइट है, इसमें बहुत सारे सिग्नल्स हैं, तो वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज कलर्स मौजूद हैं, तो प्रिज्म ने क्या किया सबको अलग अलग करके दिखा दिया। तो फोर ईयर सीरीज जो है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, इट्स अ मैथमेटिकल प्रिज्म के जिसकी मदद से हम गिवन सिग्नल को उसके जो अंदर फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं उनको देख सकते, मतलब मैथमेटिकली जो है मैथमेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं कि किस एम्पलीट्यूड और फेज एंगल के साथ वो मौजूद हैं और किस प्रोपोर्शन से मौजूद हैं, किस और वो उनकी प्रोपोर्शन जो है वो सिग्नल के शेप को जो है डिटरमिन करता है। तो ये टोटल कहानी जो है ना इसकी फोर ईयर एनालिसिस की, जो बेसिक है ना वो ये बेस बेस जो है ना इसकी वो ये तो ये इसकी जो है ना मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव की गई थी। शुरू में इन्होंने जो फर्स्ट डेरिवेशन थी वो ऐसे सिग्नल्स के लिए थी कि जो कि जिनका टाइम पीरियड 2 पाई है खाली। तो ये एक फॉर्म हमें लिटरेचर में मिलती है फोर ईयर सीरीज की, तो दिस इज़ नॉट वेरी यूजफुल, बिकॉज हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उनका तो कोई भी जनरल टाइम पीरियड हो सकता है टी, तो दिस इज़ फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिग्नल्स की जिनका टाइम पीरियड 2 पाई हो, जैसे हमारे जो कॉज और साइन जो है फंक्शन का टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, उनका पीरियड जो है टाइम पीरियड तो हमारे लिए टाइम पीरियड होगा क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम होता है, उनका जो आर्गुमेंट में जो वेरिएबल आपका आ रहा है उसका जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, उसके हिसाब से जो है ये इक्वेशंस होती हैं, बट दे आर नॉट वेरी यूजफुल। इंस्टेड वी प्रेफर टू यूज दीज इक्वेशंस, जो आई होप कि आपको इसमें नज़र आ रही होंगी, मैंने कुछ चीज़ें अपने लेक्चर नोट्स में से रखी हैं। इसको हम करते हैं 55%। देखिए पहली चीज़ ये है कि ये कुछ ना बेसिक इक्वेशंस हैं, मैं आपसे आपको कहूँगा कि जी आप अपने ना नोट डाउन कर लें, कुछ चीज़ों को लिख लें, कुछ सवाल भी मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा आज के लेक्चर में। ये मैथमेटिक्स है क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस या बाय हैंड सॉल्विंग हम इसको समझ नहीं सकते, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि कुछ चीज़ों को आप नोट डाउन करें। एक तो ये कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ जो है वो हर्ट्स या साइकिल्स पर सेकेंड है, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी, और 2 पाई बाय टी, आपको आवाज़ आ रही। ओ सॉरी, माइक्रोफोन मैंने म्यूट किया, तो हाँ आवाज आ रही है तुम्हारी। अच्छा, एफ जो है ये आपकी इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम यानी कि रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल उसका जो रेसिप्रोकल है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी,
अगर हम जो है हाफ पीरियड को एल कहें तो उस हिसाब से जो है फिर ये आगे हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए इसकी इसको हम देखेंगे फिर, ये जो आपका है ना मतलब ये कि ये एन ओमेगा अगर आपके पास हो, एन ओमेगा अगर आपके पास है तो ओमेगा की जगह आप 2π/t सब्सिट्यूट कर दें और टी जो है वो 2L के बराबर है, तो जो एल डिनोमिनेटर में 2L आएगा वो ऊपर वाले 2 को कैंसिल आउट कर देता है, तो ये आपके पास एन ओमेगा बिकम्स एन पाई बाय एल। तो एन पाई बाय एल इज सेम एज एन ओमेगा एंड दैट इज सेम एज एन 2π/t, 2N π/t। ये इसके यानी ये सारी चीज़ें ना इसके बराबर, यानी कि अगर आप एन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज एन टाइम्स 2π/t, दैट इज एन टाइम्स पाई बाय एल, वेयर एल ओवर हेयर इज हाफ पीरियड। तो ये कुछ क्योंकि हमारे पास हम मुख्तलिफ बुक्स में जब देखते हैं ना तो उन्होंने मुख्तलिफ फॉर्म्स में इक्वेशन, कहीं पे टी यूज़ किया होता है, कहीं पे हाफ पीरियड एल यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पे पूरे पीरियड को ही एल कह रहे होते हैं, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हमें नज़र आती हैं। तो ये सेम एक ही चीज़ है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो फोरियर सीरीज जो है वो आपके पास ये लिखी हुई है कि कोई भी आपका गिवन सिग्नल एफ ऑफ टी जो पीरियोडिक सिग्नल है उसको हम जब फोरियर एनालिसिस फोरियर सीरीज बनाते हैं उसकी, यानी प्रिज्म से फोरियर सीरीज की प्रिज्म से पास करते हैं, तो हमारे पास ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, जिस ये जिस कोजाइन है और ये साइन है, ये इसके अंदर इस प्रोपोर्शन के साथ ए एन और बी एन के एम्पलीट्यूड स्केलिंग के साथ प्लस ये ए नॉट की टर्म के साथ एडअप होके उस सिग्नल को बना रहे होते हैं। जैसे आपके पास ये क्या कहते हैं, और दूसरा इसमें ये कि एन जो है दैट इज़ द हार्मोनिक नंबर, तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity, तो जब एन ये 1 होगा तो ये इसकी ओमेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप समझ लें बन जाएगी, फिर जो है जब एन 2 होगा तो फिर इसका हार्मोनिक बन जाएगा, पहला हार्मोनिक बनेगा, फिर उसके बाद पहला हार्मोनिक होगा, दूसरा हार्मोनिक होगा एन जब हमारे पास 2 होगा। दूसरा हार्मोनिक होगा। जी, और ये फिर इस तरह 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी फॉर पीरियोडिक सिग्नल वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और ये जो है 0 फ्रीक्वेंसी है, या ये इसका डीसी कंपोनेंट है, ए नॉट जो है जो डीसी कंपोनेंट सिग्नल में मौजूद है, ये ए नॉट उसको बताता है। तो इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं वी कैलकुलेट द कोफिशिएंट्स बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि पूरे 1 पीरियड के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम -t/2 से t/2 तक एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारे और देन वी डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड दैट गिव्स अस द डीसी कंपोनेंट ए नॉट। इसी तरीके से अगर हम एफ ऑफ टी को कॉस ओमेगा एन टी एन ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई करके ओवर 1 पीरियड इंटीग्रेट कर दें एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय 2/t दैट गिव्स अस दिस, ये इवन कॉम्पोनेंट आप समझ लें, इसका इवन कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट्स को पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो जो वो सिग्नल के वो फ्रीक्वेंसीज जो अगर सिग्नल में इवन पार्ट है तो वो इसके जरिए से बनता है, अगर ऑड पार्ट होगा तो बी एन के जरिए से बनेगा। जो सिग्नल्स जो खाली इवन सिग्नल्स होते हैं विच आर सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस, तो उसके अंदर बी एन 0 आ जाएगा, ए एन सिर्फ मौजूद होगा, और जो ऑड सिग्नल्स हैं जो सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन है तो उस सूरत में ए एन 0 होगा और बी एन खाली रह जाएगा। जो एस सिग्नल्स जिसमें दोनों थोड़े थोड़े मौजूद हैं तो उसमें ए एन बी एन नॉन जीरो होंगे, जिसका कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है, एवरेज वैल्यू उसकी 0 आ रही है, तो सूरत में ए नॉट 0 आ जाएगा। तो इससे हम जो है ना कि इन कोफिशियंट्स को कैलकुलेट करते हैं देन वी राइट आवर सिग्नल एफ ऑफ टी पीरियोडिक सिग्नल। फोरियर सीरीज इज फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, ए पीरियोडिक के लिए हम यूज़ नहीं करते, इसको नहीं कर सकते यूज़। तो इससे हमारे पास जो गिवन पीरियोडिक सिग्नल है उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दैट आर प्रेजेंट इन दैट सिग्नल, और वो किस प्रोपोर्शन के साथ आपस में जमा होके उस सिग्नल को बना रही हैं। तो ये वही सेम एक और मैंने बुक से लिया है, ये अभी कह रहा है कि जी आपका जो सिग्नल है उसका पीरियड टाइम पीरियड एल के बराबर है, यानी टी को एल ये इस इक्वेशन में कह रहे हैं, तो ये 2, और दूसरा ये कि जिसको हम एन कह रहे थे वो इनका के है यहाँ पे, तो 2KNx/L ये एफ ऑफ एक्स है, हमारा वहाँ पे टी था तो ये एक्स कह रहे हैं उसको, उसी टी को, एल जो है वो टाइम पीरियड है इसका, तो हमारा टी था यहाँ पे एल है, दिस इज नॉट हाफ पीरियड, ये फुल पीरियड जो है वो एल के बराबर हमने लिया हुआ, तो नोटेशन का फर्क है इसमें। और दूसरा ये कि जो इनका ए नॉट है वो इन्होंने इधर से डिवाइड बाय 2 रखा हुआ है, बिकॉज ये इनका जो है ए के वो इसके अंदर ए के को उन्होंने यहीं से डिफाइन कर दिया, अगर आप 0 रखेंगे के को
तो ये ए नॉट बन जाएगा। तो ए नॉट में जो टू वहां पे ऊपर आ रहा है ये वाला, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे इन्होंने डिनोमिनेटर में टू रखा है। देखिए हमारे फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे वन आता है, वन बाय टी है, इसको वन बाय टी होना चाहिए। तो सेम ये वही फॉर्मूला है, यहाँ टू आ रहा है तो ये वाला टू इसको वन बना देगा। तो ये सेम फॉर्मूला है, बस डिफरेंट नोटेशन में इन्होंने दिया। तो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट नोटेशन में मिलेंगे, तो हर चीज़ एक ही। तो बाकी इसकी जो है अब अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक मैथमेटिकल वर्किंग थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप एक काम ये करें, छोटा सा पेस पीस ऑफ पेपर पे जो है इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें, फोरियर सीरीज इसकी ज़रा बनाएं यूजिंग दीज फार्मूलाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड कि आप ना फॉर्मूले अगर लिख लें, मैं भी अपने पास ले जाता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे सर, मेरा पेन टूट गया, मैं दूसरा पेन लेके आता हूँ। हो ये हम सिग्नल भी यहाँ पे ले आए हैं। कैसे लाए भाई, जी जी अभी ये जो है ना इसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि इसकी फोरियर सीरीज बनाते हैं इसकी। अच्छा अब आप ये जो देखें, ये आपके फॉर्मूले भी मौजूद हैं अभी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो ये फंक्शन गिवन है। अब इसका जो एक टाइम पीरियड अगर आप देखें, ये अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है इस पॉइंट से, इसके बाद यहाँ, इसके बाद रिपीट शुरू हो जाएगा, इससे पीछे की तरफ रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो पीरियड है वो -1 से स्टार्ट होता है और +1 तक जाता है। तो टी इज इक्वल टू 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो टाइम पीरियड इसका 2 यूनिट्स या 2 सेकेंड्स आप समझ लें, अगर ये सेकेंड्स में है तो ये 2 सेकेंड्स हो जाएगा इसका। अब ये जो है क्या कहते हैं, हमने करना क्या है कि कोफिशिएंट्स निकालने हैं इसके। तो मेगा जो है फ्रीक्वेंसी हमारी वो बराबर है 2 पाई बाय टी के, 2 पाई बाय टी, ठीक है। तो टी हमारा 2 है तो ये पाई के बराबर आ जाएगी, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इसकी ओमेगा की वैल्यू पाई के बराबर आ गई। नाउ लेट्स फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट कोफिशिएंट ए नॉट। ए नॉट होता है 1 बाय टी जीरो हो जाएगा माइनस टी बाय टू, 0 हो जाएगा एवरेज वैल्यू। हाँ 0 आ रही है इसकी, देख लेट्स सी दैट कि वो उसको निकाल के देखते हैं। 0 एफ ऑफ टी, तो 1 अपॉन 2 और -1 से 1 तक, और यहाँ ये 1 रहेगा, नहीं -1 से 0 तक ये -1 है, ठीक है। और डी टी उसके बाद जो है ये 0 से 1 तक 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय 2 टी 0 माइनस 1 प्लस टी 0 और 1। तो देखते हैं कि ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 बाय 2 तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। ये तो 1 के बराबर नहीं आ रहा, नहीं, एवरेज जीरो होगा। और ये हो जाएगा 1 साइन -0 -1 से 0 तक ये -1 है, ठीक है। तो जब हमने टी रखा है तो ये फॉर्मूला तो इसका यही है जी फोर ईयर सीरीज में ना, और इसमें कोई इशू नहीं है। और ये आपके पास जो है क्या कहते हैं 0 जब आपने रखा तो 0 -1 प्लस टी 1 रखा -0, तो ये तो आपके पास 1 आ रहा है इसका आंसर।
ये नॉट की वैल्यूज वन आ रही है, ये इसकी फोरियर सीरीज में तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी, मतलब फोरियर सीरीज तो हमें ये बता रही है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये इसी तरह से आ रहा है। अच्छा अब आप इसका जो है वो ए एन करके देख लें। इंटीग्रेट कर रहे हो अगर तुम तो हम मैं इसको मैं 1 मिनट, अगर हम मैंने कोई गलती की, लेट्स सी दैट, इधर नोट्स में आगे इन्होंने सॉल्व किया, देखें वन आता है, देखें इनका भी वन आ रहा है। जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक पीरियड के ऊपर, माइनस वन से वन, माइनस वन से जीरो तक ये माइनस है, और जीरो से वन तक जो है ये आपके पास प्लस वन है, और जब आपने रखा इसको, हाँ एक माइनस हमने लगाया है इसके साथ जीरो, हाँ तो ये हमने ये मसला किया ना, ये मसला किया, ये भी नोट्स में भी करेक्शन की जरूरत है, इसको सही कर लेंगे। देखें जी हमने यहाँ पे देखें, एक माइनस हमारा जो है वो कहाँ गया, इसमें से माइनस टी भी तो था ना, ये जीरो आता है, बिल्कुल आता है, ये देखें ये माइनस माइनस टी है ना, ये माइनस यहाँ पे माइनस वन लिखा हुआ है ना, तो ये माइनस टी है, और जब हम इसको रखेंगे तो दैट विल बी थ्री माइनसेस, एक ये वाला माइनस, एक इसका माइनस, और एक जो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट का माइनस होता है, तो ये वाला माइनस और ये बन जाएगा प्लस आपका, ठीक है, ये माइनस है तो ये आपके पास माइनस वन ही आता है, वन माइनस वन दैट इज जीरो, तो ये ए नॉट आपका जीरो आ जाता है, ठीक है जीरो आ गया आपका, ठीक है। मुझे जो है ना इंटीग्रेशन समझ में नहीं आई, बट मतलब नहीं वो कॉमन मैं भी सेंस देखें कॉन्सेप्ट के क्या हिसाब से मैं भी यही कह रहा था कि इसको जीरो आना चाहिए, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही सर। कहती है कि क्योंकि आप यू आर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, यहाँ यस से ये जो है ना एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव आएगा, अगर सपोज वन यूनिट आ रहा है तो ये एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव आएगा, तो दे शुड कैंसिल आउट ईच अदर यहाँ दोनों, तो एवरेज वैल्यू उसकी जीरो आनी चाहिए, तो ये एक ना इसको नोट्स को भी हम ठीक कर लेंगे स्लाइड के अंदर कि इसको वन नहीं जीरो आना चाहिए, तो ये हमारा जीरो आ गया, ये एक माइनस हमने मिस कर रहे थे, तो ये हमारे पास। देखें इंटीग्रेशन का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जरा, इंटीग्रेशन जो है ना उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा हम नीचे चले जाते हैं, देखें मैंने कहा ए नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू से ई बाई टू तक एफ ऑफ टी को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो एफ ऑफ टी आपका है क्या, एफ ऑफ टी इज दिस थिंग गिवन बाय दिस, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वन फ्रॉम हेयर टू हेयर, माइनस वन से लेकर जीरो तक माइनस वन के बराबर है, यानी एफ ऑफ टी को माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, और फ्रॉम फ्रॉम जीरो टू वन वी विल रिप्लेस इट बाय वन, तो वहां पर ये वन आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन इंटीग्रल को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, ये एक तो माइनस टी तो वन अपॉन टी तो प्लस, ये वन अपॉन टी तो बाहर हो गया, अंदर जो है इसको हम माइनस टी बाई टू से जीरो तक स्प्लिट कर देंगे एफ ऑफ टी को, यस हाँ प्लस फिर हम इंटीग्रल को जीरो से लेके टी बाई टू तक जो है इसको दूसरा इसका हमने तोड़ दिया, क्योंकि वो उसमें सिग्नल चेंज हो रहा था, यहाँ पर ये जो है इस पोर्शन में ये माइनस वन के बराबर है एंड हेयर इट इज प्लस वन। अच्छा अब ये बाकी फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दी थी, टी टू के बराबर था, वन बाय टू कर दिया इसको, और यहाँ पे मैंने नीचे माइनस वन से जीरो तक कर दिया, इधर माइनस वन मैं ले आया था डी टी, फिर इसके बाद मैं जीरो से लेके वन तक ले गया, तो ये इस तरीके से। अच्छा अब हम अगर इंटीग्रल लेते हैं डी टी इस तरीके से, वन है बीच में या माइनस वन, वन माइनस वन हो या वन हो एक ही चीज़ है, माइनस इधर आ जाएगा जैसा था, तो दिस थिंग इज इक्वल टू टी, यानी इंटीग्रल और डी टी जब हम करते हैं दैट इज इक्वल टू टी, जो वेरिएबल है आपके पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वो बाहर आ जाता, नो तो अगर हमारे पास टी होता तो ये क्या बन जाता उस सूरत में, टी टी स्क्वायर बन स्क्वायर जाता, टू या हाँ बाय तो टू टी टी क्यूब होता तो ये फिर टी जो है टी फोर बाय फोर थ्री 4/4 हो जाता, तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये जो है क्या कहते हैं यही हमने यहाँ पे किया, ये माइनस टी आ गया इसके अंदर, फिर हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दी, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जब हम पुट करते हैं, तो मैं इस वाले स्टेप से देख रहा हूँ, इस वाले स्टेप से, तो माइनस वन बाय टू सॉरी वन बाय टू तो बाहर है, अब ये माइनस टी है इसकी जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे जीरो माइनस दी लोअर लिमिट माइनस वन लाइक दिस, प्लस दी अपर लिमिट दिस वन, टी की जगह रखा माइनस दी लोअर लिमिट ये वाला जीरो जो है, और ये इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया आगे, तो ये आपके पास तीन माइनस है तो ये माइनस सी निकलेगा माइनस वन, और यहाँ पे प्लस वन, माइनस वन प्लस वन जो है वो कैंसिल होकर जीरो निकल आएगा इसका, तो ए नॉट इज जीरो।
तो यही इंटीग्रल भी यही चीज हमें बता रहा है। तो ये हमारा एक जो है ना समझ लें कोफिशियंट हो गया डीसी, जिसको डीसी कंपोनेंट जो है इसका वो बताता है ये जीरो फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैथमेटिक्स एग्री कर रही है। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए एन। ए एन के अंदर जो है हमारे पास आ जाएगा 2/t इंटीग्रल -t/2 से t/2 तक। देन वी हैव एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ओमेगा इस पाई जो हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले, एन जो है वो इस इंटीग्रल में कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा। एफ ऑफ टी अगेन जो है वो -1 से 0 तक जो है -1 होगा, और फ्रॉम 0 to 1 इट विल बी +1। तो बाकी इसको इवेलुएट करना है। ए एन इज इक्वल टू 2/2 फ्रॉम -1। आप इसको जरा साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, इसको जरा साथ साथ थोड़ा वर्कआउट करें, आगे इंटीग्रेशन वगैरह से करें। तो -1 से 0 तक दिस इज माइनस कॉस एन पाई टी, ओमेगा हमारा पाई है। इसके बाद फिर है 0 से 1 तक प्लस कॉस एन पाई टी डी टी। अच्छा जी, अब आप कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बन जाता है? अगर हमारे पास जो है अल्फा टी है, इसके इंटीग्रल किसके बराबर होगा? साइन अल्फा टी अपॉन अल्फा, ऐसे ही है। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो बेसिकली हुआ ही है इस तरीके से। देखें ये अल्फा टी आ रहा था ना, तो लेट्स से वी मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी साथ आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि ये आपके पास अल्फा डी के बराबर है यू, और डी यू जो है वो अल्फा डी टी के इक्वल हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डी टी बन गया डी यू बाय अल्फा के इक्वल। तो हम यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, ये चीज़ आपके पास हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ कॉस यू डी यू। ठीक है, डी यू जो आपका है वो अल्फा डी टी के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर डी यू को लाना चाहेंगे तो दैट विल बी डी डी यू बाई एल्फा। तो ये एल्फा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये साइन यू बन जाएगा, और यू को जब बैक सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन एल्फा टी, बट वी विल हैव दिस एल्फा इन द डिनोमिनेटर। ये एल्फा यहाँ से इस तरह से निकल के आया कि हम इसको अगर यू सपोज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एल्फा क्या है इस केस में? अब हम एन ओमेगा टी हाँ एन एन पाई जो है ना, एन पाई एन ओमेगा जो है ना, यानी एन पाई बन जाता है, वो हमारा अल्फा है, वो तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो एन इज इक्वल टू ये 2 2 बाहर कैन वो हो गया 1 बन गया, और इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एन पाई टी अपॉन एन पाई। ठीक है, वी हैव अ माइनस साइन। अच्छा, साइन को डिफरेंशिएट करें कॉज आता है, और कॉज को डिफरेंशिएट करें माइनस साइन आता है। तो इसलिए अभी ये कॉज ये साइन ही आएगा, साइन चेंज नहीं होगा इसमें। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -1 और 0 है, प्लस वी हैव साइन एन पाई टी अपॉन एन पाई, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 1 है। अब ये 1 by 1 अगर इसमें हम पुट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपर लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो वो हो जाएगा आपके पास -sin 0 विच इज 0। ठीक है, और देन वी पुट ये जो है लोअर लिमिट, ये इस माइनस की वजह से प्लस बन गया, तो साइन एन पाई अपॉन एन पाई। देन वी हैव दिस साइन, दूसरा वाला साइन के अंदर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा n π/n π -sin of 0 एन पाई। अब ये साइन 0 तो वैसे ही 0 है, एन पाई के साथ भी जो है वो 0 ही होगा। एन आप
एन हमारे पास हमेशा इंटीजर होगा, तो आप कोई भी इंटीजर रख दें इसमें, 1 2 3 व्हाटएवर, तो उस सूरत उसमें आपके पास वो साइन ऑफ पाई इज ऑलवेज जीरो, साइन ऑफ 2 पाई, इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, साइन जब भी आप उसको पाई के साथ करेंगे तो आपके पास हमेशा जीरो निकलता है। तो इससे हमारे पास ए एन क्या निकलेगा, हमेशा जीरो आएगा। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने की है, अगर मुझे मेरे जहन में कॉन्सेप्ट हो इवन ऑड फंक्शंस का, तो मैं कैलकुलेशन ना करता, मैं सीधा सीधा कहता कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ऑड सिग्नल है, तो इसका ए एन हमेशा जीरो होगा। अगर आप इस सिग्नल को देखें तो ये सिग्नल ऑड है, इवन सिग्नल है, ये सिग्नल ऑड सिग्नल है क्योंकि ये ऑड सिग्नल है। आपको कैसे पता चला? इसका जो अगर तुम इसको मिरर करोगे तो वो सेम नहीं है ना, अगर हाँ इसको जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अक्रॉस मिरर इसको करो तो इसको जब आप मिरर करेंगे तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, फिर आपको एक्स एक्सिस पे रोटेट करना पड़ेगा, फिर जाके ये और इस हालत में आएगा वापस। इट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, यानी यहाँ से इधर तक इसकी सिमेट्री बन रही है इस तरह से। तो ये ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल के अंदर जो उसका इवन पार्ट है वो वाले कोफिशियंट जीरो ही निकलेंगे, ए एन हमेशा जीरो आएगा इस तरह के सिग्नल का। और दूसरा इसका डीसी पार्ट भी जीरो निकला था, क्योंकि डीसी पार्ट भी हमें नजर आ रहा है कि नहीं है उसमें, इसका खाली बी एन निकल के आएगा। तो ये हमारे पास ए एन इसका सीधा सीधा जीरो हो गया। नाउ लेट्स फाइंड द बी एन। तो अगर हम ये पहले ही डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगा दें, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ बी एन निकाल लें। चले बी एन निकाल लें इसका। बी एन इज इक्वल टू 2 बाई टी माइनस टी बाई टू से ई बाई टू तक एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, दैट इज इक्वल टू 2 बाई टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1 तक ऑफ एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी दैट इज एन पाई टी, एंड दैट इज इक्वल टू -1 से 0 तक -sin(n π t), और उसके बाद आपके पास है +0 से 1 तक sin(n π t) dt, एंड इंटीग्रल ऑफ साइन इज कॉस माइनस कॉस। तो माइनस माइनस, ये माइनस बाहर वाला और एक अंदर माइनस, cos(n π t) / (n π), और उसके बाद आपका जो दूसरा वाला पार्ट है इसका, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की, क्योंकि लोअर लिमिट इज -1 ऊपर वाली 0, दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास आ जाएगा -cos(n π t) / (n π), और 0 एंड 1। तो ये हो जाएगा आपका cos(n π), कितना हो जाएगा, एन इंटू जीरो, एक हम आप दोनों के अंदर n π है ना कॉमन है, तो हम इसको कॉमन बाहर ही निकाल लेते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। इस माइनस ने इसको प्लस बना दिया, ठीक है, और इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये यानी क्या कैंसिल आउट हो गया। तो अगले स्टेप में यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस, अगले वाली जो लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे, cos-(n π), ठीक है, एंड देन वी हैव माइनस, फिर वी हैव -cos(n π), और ये माइनस जो है इसके साथ जो मौजूद है ये अगली इस लोअर लिमिट के लिए इसको प्लस बना देगा, cos 0 into n π, ये चीज आती है, ठीक है। तो 1/(n π) cos 0 is always 1, ठीक है, एंड cos(n π) जो है उसके अंदर ये माइनस के अंदर कॉस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दिस इज cos(n π). इसके बाद आपके पास आता है cos 0, एक और आ रहा है, और एक आपके पास ये -cos(n π) भी आ रहा है +1। तो ये चीज हमारे पास आ जाती है 1/(n π), और हम 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 2 माइनस, ये 2 बाहर निकाल लिया ना, 1 माइनस cos(n π), ये चीज आती है, दिस इज आर बी एन।
अब ये क्या बता रहा है हमें, जब हमारा एन जो है वो इवन होगा तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाए 4 पाए एंड सो ऑन विच इज +1। +1 का मतलब है कि 1 - 1 इज 0, तो बी एन जो है वो हो जाएगा आपका 0। ये आप एग्री करते हैं इस बात से? और जब हमारा एन जो है वो ऑड होगा, यानी आपके पास 1 है 3 है 5 है 7 है, तो उस सूरत में ये -1 होगा, एंड -1 माइनस दिस माइनस विल मेक इट प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। तो उस सूरत में हमारा बी एन आ जाएगा 4/n π। तो इवन की सूरत में ये बी एन 0 आएगा और ऑड की सूरत में ये 4/n π आ जाएगा। तो अगर हम इसकी फोरियर सीरीज जब बनाएंगे, 4/n π आ रहा है, बी एन जो है वो 4/n π, फिर एन इज इक्वल टू ऑड। फोरियर सीरीज जब हम बनाने बैठेंगे इसकी, तो फोरियर सीरीज इसकी क्या बनेगी? FT इज इक्वल टू ए नॉट 0 है, ए एन भी 0 है, समेशन आप एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते ये जो है इसका क्या कहते हैं 4/n π, इधर हमें लिखना होगा ये चीज़ कि जो 0 भी बन रही है, यानी वी हैव टू राइट दिस कंप्लीट थिंग। 1 - cos n π जो है 2/n π, 1 - cos n π, 2/n π, 1 - cos n π, दैट थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय साइन एन ओमेगा टी, ओमेगा इस पाए तो एन पाए टी। अब ये टी यहाँ पे आ रहा है और कहीं नहीं आएगा इसमें, तो एफ ऑफ ये कोफिशियंट है इसका, तो इसमें टी नहीं आता। अब इसमें आप लिख दें इसको एक्सपेंड करके अगले स्टेप में, कि जब हमारा 1 था तो उस सूरत में हो जाएगा 2/π, और यहाँ से भी 2 निकलेगा, तो दैट विल मेक इट 4, 4/π साइन पाए टी। सेकेंड टर्म जो है इसकी 2 के लिए 0 होगी, थर्ड के लिए 0 नहीं होगी, तो ये हो जाएगा 4/3π साइन 3π t प्लस। अब आ जाएगा आगे 3 के बाद आ जाएगा 5, तो 5 के लिए 4/5π साइन 5π t एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये आपके जो है वो गिवन सिग्नल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब एक इसका मैं प्रूफ आपको बताता हूँ जरा, ये काम छोटा सा करते हैं, आप मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? हाँ, एक चीज हम ये देखते हैं कि एक ये हटाना जो है ना, इसको कैसे हटाते हैं, ये तंग करती है कभी कभार क्या हटा रहे हो? ये। एक मिनट, मैंने एक नया टैब खोलना था। जो प्लस का साइन है ऊपर का तो प्लस कहाँ गया? और प्लस राइट पे है टॉप में तुम्हारी विंडोज के, और